बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपेयर लिस्ट किस तरह करेंगे और मैचेस चेक करना है टू कॉलम के अंदर, या टू लिस्ट है या जो भी आपका डेटा है, और उसको मुख्तलिफ फॉर्मूलों से और ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आज पे लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इधर मैंने कुछ नंबर टाइप करे हुए, आपकी जो भी लिस्ट होगी टैक्स की या नंबर की, वो आप इस तरह लिख लें। और फिर उसके साथ सेम लिस्ट हमारी सेकंड कॉलम के अंदर है, अब उसमें कुछ जगह पे चेंजेस आ रही है, तो हमें ये फॉर्मूले से किस तरह से चेक करेंगे, या फिर ट्रेस करना है हमें जहाँ चेंजेस आ रही है वो सेल्स को, या फिर हाईलाइट करना है, तो वो हम आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो हम दोनों सेल एक दूसरे से मैच करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट सेल में मैं आ रहा हूँ और इस सेल को क्लिक करूंगा, बराबर है सेकंड लिस्ट का फर्स्ट सेल, ठीक है जी। फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट और फिर इक्वल के बाद सेकंड लिस्ट का फर्स्ट सेल, एंटर। अगर ये मैच होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है जी। अब ये ड्रैग कर लेंगे, तो एक तो इस तरह से अब जहां पर मैच नहीं है वहां पर ये फॉल्स कंडीशन शो कर रहा है। तो फॉल्स कंडीशन को देखने के लिए हम यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, इक्वल, ठीक है जी। तो फॉल्स ओके करेंगे, ये इस तरह से आ गई। एक होता है एग्जिट, ठीक है जी। एग्जिट मैच में टैक्स वन आ गया, कॉमा टैक्स टू, तो ये दोनों मैच होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, एंटर। और ड्रैग, तो सेम जो हमारा डायरेक्ट हमने इक्वल लगा के सेकंड सेल इंटर किया था, वही आंसर एग्जिट फॉर्मूले से भी आ रहा है हमारा, और सेम उसी तरह से रिटर्न दे रहा है हमें ये। लेकिन अगर हम इसको इफ के साथ यूज कर लेते हैं, तो हम यस और नो या किसी भी अपने जो हम टेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं आंसर, वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यस जहां पर मैच होगा तो यस, नहीं होगा तो नो, फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट, वही एग्जिट फॉर्मूला इस तरह से हम लगा सकते हैं, एंटर और ड्रैग, ठीक है जी। तो ये भी एक टेक्निक है। उसके साथ अगर अदर फॉर्मूले से हम बात करें, तो एक और है वी लुकअप से भी हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में आएंगे और इफ एरर, एरर के लिए, और उसके साथ हम लगा देंगे वी लुकअप, और वी लुकअप को हम यूज कर लेते हैं इसके इस जगह पे, ठीक है जी। इफ एरर वी लुकअप, इस सेल को लुकअप वैल्यू दिया हमने, और टेबल एरे होगा ये कॉलम, ठीक है जी। इसके अंदर से यानी लुकअप करना है, F4 करेंगे कॉलम वन, यही लुकअप वैल्यू कॉलम इंडेक्स चाहिए वन, फॉल्स आ जाएगा एक्सिट मैच, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा जहां मैच नहीं होगा यानी एरर रिटर्न करे, तो वहां पर हमने कहा नो मैच लिखा हुआ आ जाए, और फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, तो जहां होगा वहां पर लिखा हुआ रिटर्न नंबर आएगा, नहीं होगा तो ये नो मैच, ठीक है जी। तो वी लुकअप इफ एरर के साथ यूज किया हमने, और जहां एरर मैच नहीं हुआ तो उसकी जगह हमने अपना नो मैच रिटर्न कर लिया। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक और फॉर्मूले से अगर हम चेक करें, तो मैच फंक्शन भी यूज हो सकता है इस कंडीशन में। इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में फर्स्ट सेकेंड लिस्ट का फर्स्ट सेल, और कॉमा लुकअप एरे, कॉमा लुकअप एरे ऑल लिस्ट, ठीक है जी। रन इंटायर सिलेक्ट F4 कॉमा एक्सिट मैच जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जहां मैच होगा तो वहां लिखा हुआ आएगा, नहीं होगा तो एनए का एरर शो हो जाएगा इस तरह से। तो एनए की जगह एक और कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह हमने वी लुकअप के साथ वैल्यू इफ एरर नो मैच किया था, इसी तरह एनए कंडीशन के लिए इफ एनए का एक फॉर्मूला होता है। मैच की जगह पर हम इफ एनए यूज करेंगे, और जहां वैल्यू मैच फॉर्मूला एरर करेगा वैल्यू इफ एन ए, उसकी जगह पर वही नो मैच लिख देते हैं, या जो भी आपको लिखा हुआ प्रिंट करना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो सेम कंडीशन जो हमारी वैल्यू इफ एरर में, इफ एरर और वी लुकअप से आ रही थी, वही हमारी कंडीशन इफ एन ए में मैच से रिटर्न होगी, तो एंटर करेंगे और ये भी ट्रैक करेंगे। तो सेम जहां पर हमारा इफ एरर से आ रहा था आंसर, वही हमारा इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो एक और अगर इफ कंडीशन से हम चेक करें इसके डुप्लीकेट को, कंपेयर लिस्ट को, तो इसको इफ से भी हम कर सकते हैं, और इफ में हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, अगर ये सेल बराबर है
इसके कॉमा, तो वन रिटर्न करें नहीं तो जीरो, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जहां मैच नहीं होगा, जहां फॉल्स कंडीशन ये नौ लिखी हुई आ रही है हमारी, नौ मैच, तो वहां जीरो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल अच्छी लग रही है जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और सोशल मीडिया पे शेयर भी करिए, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को सीखने को मिलती रहे शाविस्ला इंटर चैनल पे। और अभी आगे मजीद और देखें इसको, तो यहाँ पर अगर हम हाईलाइट कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात करें सेल को, तो हम इस लिस्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इक्वल में जाएंगे, हाईलाइट इक्वल, और इसको हम डायरेक्ट सेल क्लिक करके ये वाला। ठीक है जी, अब इससे कंपेयर करना है इस लिस्ट से, तो हमने ऑल एंटायर इसको हाईलाइट करना था, उस लिस्ट को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू में गए और सेकंड लिस्ट का फर्स्ट सेल सिलेक्ट। अब इसको एंटायर मैच करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट डॉलर एब्सोल्यूट हुआ हुआ आ रहा है सेल, तो इसको हम जो सेकंड रो से पहले आ रहा है ताकि नीचे ड्राइंग हो, तो इसका डॉलर हटा देंगे रो नंबर से पहले। तो ऑटोमेटिक देखें जहां पर मैच नहीं होगा वो कलर में आ रहा है, अनकलर में आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको मुझे येलो से शो करना है, मैंने यहाँ पे येलो सिलेक्ट करा इस तरह, जो मैच नहीं होगा तो वो अनकलर में हो रहा है इस तरह से। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है। अब जहां जहां मैच नहीं है, चेंज नंबर आ रहे हैं, वो हमारे कलर से शो नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक टेक्निक है, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं टू लिस्ट को। अब ये तो मैच की कंपेयर की डिफरेंसेस की, चेक करने की, हाईलाइट करने के तरीके, फॉर्मूले, ऑप्शन हमने समझे। अब हमें टोटल देखना है कि भाई कितनी जगह डिफरेंसेस आ रही है। अब पूरा बहुत लिस्ट है हमारी पूरी डेटाबेस की, तो उसमें हमें ये रिपोर्ट दे रही है कहाँ पर कितनी जगह चेंज है, यानी डेटा सेम नहीं आ रहा हमारा इसके अंदर। तो उसके लिए हम और एक तरीके से चेक कर सकते हैं, इक्वल काउंट इफ, और यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन हमने यूज करी थी, ब्रैकेट ओपन, और उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर। ठीक है जी, जहां तक हमने ड्रैग किया हुआ है फॉर्मूले वहां तक, और फिर कॉमा के बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो टोटल 12 एंट्रीज आ रही हैं, यानी ये जो एंट्री ट्रू कंडीशन है इसमें वो 12 है, टोटल एंट्रीज कितनी है। ठीक है जी, अभी हमने जो चेक करी है वो ट्रू कंडीशन चेक करी है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं यहां से इसको मर्ज और रैप कर लेता हूँ, कॉलम को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से बोल्ड। ठीक है जी, ये रिपोर्ट आ गई हमारी मर्ज बोल्ड, फॉन्ट को बड़ा किया मैंने यहाँ से, राइटिंग ट्रू कंडीशन आ गई। टोटल डेटा, टोटल एंट्रीज कितनी है, तो यहाँ पर हेडिंग दे देंगे टोटल एंट्रीज, और इसको मैं यहाँ पर सेम फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से इस कंडीशन को इधर फॉर्मेट। अच्छा ये मर्ज हुआ भाई, यहाँ से नहीं करना हमें। ठीक है जी, ये हो गया, ये सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। अब टोटल कितनी एंट्रीज है, तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे और जो वैल्यू वाला कॉलम आ रहा है हमारा, इसको टोटल काउंट करेंगे। ठीक है जी, जहां तक काउंट इफ को हमने सिलेक्ट करा था वहां तक इस नंबर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल एंट्रीज है 15 और ट्रू कंडीशन उसमें 12 है, तो डिफरेंसेस जहां पर आएगा वो आप यहां पर बता सकते हैं अपना फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, डिफरेंस, और डिफरेंस में हम सेम ये फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ पे भी इक्वल, टोटल एंट्रीज में माइनस कर देंगे टोटल ट्रू कंडीशन कितनी है। तो डिफरेंसेस यानी जहां पर मैच नहीं हो रहा है लिस्ट के अंदर, वो तीन जगह पर ऐसा डेटा है जो मैच नहीं हो रहा, और कहां पर है किस जगह है, तो वो इतनी सारी एग्जांपल मैं ऑलरेडी पहले आपको इसमें समझा चुका हूँ कि हाईलाइट चेक करने का जहां मैच नहीं हो रहा है, तो वो सारे फॉर्मूले हम इसमें देख चुके हैं किस तरह से हम कर सकते हैं हाईलाइट, और एंड ऑफ उसके अंदर की रिपोर्ट में हमारी क्या बन रही है टोटल एंट्रीज, और कितनी ट्रू कंडीशन है, चेंज है, और कितनी डिफरेंस है, वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इन सारी जगहों पे हमने जहाँ फॉर्मूले यूज किए हैं वो मुझे सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है, यानी डेटा ओरिजिनल कहाँ है
और जो फॉर्मूले हैं वो सारे एक्सेल कलर से हाईलाइट हो रहे। तो इस तरह का कोई भी आपका एक्सेल का काम है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको दिए ताकि आपको जो अच्छा लगे इजी लगे उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करें। लेकिन अब हमें ये हाईलाइट करना है कि इन सब में फॉर्मूले हमारे कहाँ हैं, तो वो हमें कलर से एक अलग से डिफाइन करना है। तो हम उसके लिए F5 का बटन यूज करेंगे या फिर फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल, और यहाँ जहाँ हमारी लिस्ट होगी इसमें जो फॉर्मूले होंगे वो सारे सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ओके। तो ऑल वर्कबुक के अंदर कोई भी डेटा होगा जिसके अंदर आपने फॉर्मूले बहुत सारी जगह पे यूज किए, तो वो इस तरह से आपके सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही सिलेक्ट होंगे तो आप उसको अपनी मर्जी से अपने कलर से सारे हाईलाइट करके इस तरह से लिस्ट में चेक करवा सकते हैं किसी को भी डेटा के भी यहाँ यहाँ पर इन सेल में हमारे ये फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो ये आज की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।